आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज 24x7 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का संगे बुनियाद रखा। जम्मू कश्मीर पुलिस गवाह है कि कश्मीर के लोग किसके लिए खड़े हैं, अमित शाह। हुकूमत को स्मार्ट मीटर नस्ब करने के लिए आला सतह पर एक फैसला लेना होगा, एसएमसी मेयर। और कश्मीर में गर्म और मरतूब मौसम 24 जून तक बरकरार रहने का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज सुबह श्रीनगर की प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का संगे बुनियाद रखा। अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और दीगर आला अधिकारियों के साथ शहर के मरकज में वाक्य लाल चौक इलाके का दौरा किया। बलिदान स्तंभ का संगे बुनियाद रखा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुराना कारनामों और कुर्बानियों के एजाज के लिए तामीर किया जा रहा है। इससे कबल आज शाह ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बालतल का दौरा किया और वजीर दाखिला ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और जुम्मे के रोज वतिस्ता फेस्टिवल का इफ्तिताह भी किया। क्या कुछ मजीद खास है इस वाले से देखे महक की एक खास रिपोर्ट। मौजूद है प्रताप पार्क श्रीनगर में, जहां अभी अभी जो है अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन यहां पे जो है कायम की। इस स्टोन का नाम बलिदान स्तंभ रखा गया है, जिसको सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ भी कहा जा रहा है। लेकिन आज जो है मंजर कुछ अलग देखने को मिला। यहां पे सब खुले थे, दुकानें खुली थी, लोकल जो है लोग चले जा रहे हैं। अभी हम आपको फाउंडेशन स्टोन के पास लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा कुछ जो है ये बना हुआ है यहाँ पे। ये आप देख पा रहे हैं फाउंडेशन स्टोन है जिसका नाम बलिदान स्तंभ रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनके लिए और जिन्होंने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है उनके लिए जो है ये बनाया जा रहा है। ये थी आज की न्यूज़ हमसे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलिस अहलकारों की शहादत इस बात का सबूत है कि कश्मीर और उसके लोग किसके लिए खड़े हैं। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर पुलिस के मुतअद्दिद नौजवानों की शहादत जिन्होंने दहशतगर्दों से लड़ते हुए और मासूम साथी शहरियों की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की, इस बात का सबूत है कि कश्मीर और उसके लोग किसके लिए खड़े हैं। कबल अजीज शाह ने श्रीनगर में पुलिस शहदा के लवाकीन से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से उनके करीबी रिश्तेदारों में तकरीरी नामे तकसीम किए थे। श्रीनगर म्यूनसिपल कारपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू का कहना है कि हुकूमत को स्मार्ट मीटर नस्ब करने के लिए आला सतह पर एक फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि गांदरबल से जो पानी शहर में आता है जराई सरगर्मियों की वजह से इसमें कमी हुई है। मौसूफ मेयर ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज यहाँ मीडिया के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि बिजली में इतनी ज्यादा तब्दीली नहीं आई है, लेकिन कुछ होंगे सप्लाई की कुछ डिमांड होगी। स्मार्ट मीटर्स की एक पॉलिसी है और इस पर हुकूमत को आला सतह पर एक फैसला लेना होगा। कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डेप्यूटी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महीउद्दीन भट्ट ने आज काकरन में माता कात्यानी मंदिर और कुलगाम में माता कुलगेश्वरी मंदिर का दौरा किया ताकि हराष्टमी के लिए किए गए इंतजाम की निगरानी की जा सके। केपीडीसीएल, जल शक्ति, सेहत, आरडीडी और दीगर लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान ने डीसी को उन मकामात पर जश्न मनाने के लिए किए गए इंतजाम से आगाह किया। इस मौके पर डीसी ने मुतलका अफसरान से कहा कि वो कोशिशों को हम आहंग करे और अकीदतमंदों को तमाम मतलूबा सहूलियात फराहम करे। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज अम्बिटा फितिस्ता कश्मीर फेस्टिवल के सिलसिले में सहायता अकेडमी नई दिल्ली और एनजेडसीसी की तरफ से बुद्धिज्म एंड कश्मीर के मौजू पर एसकेआईसीसी में 2 रोजा सेमिनार का इफ्तिताह किया गया। आपको बताते चले कि सदर सहायता अकेडमी माधव कौशिक तकरीब के मेहमानी खसूसी की हैसियत से आईवान में मौजूद थे, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमती ओमा नंदूरी मेहमानी जीवकार की हैसियत से आईवान में तशरीफ फरमा थी। आईवान में
बैदीस नाथ लब, फुरकान खान, अजमल शाह, मुमताजा इतु भी मौजूद थी। सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी के श्रीनिवासन राव ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और सेमिनार के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के दौरान कुछ किताबों की भी रोनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मारूफ फिल्म और सीरियल डायरेक्टर सिद्धार्थ काक, प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा, साहित्य अकादमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वेनर प्रोफेसर शाद रमजान, अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, मंजूर बानिहाली, शबनम तिलगामी, मजीद मजाजी, डॉक्टर गुलजार अहमद रातर, रूफ आदिल करालवारी के अलावा सरकर्दा अदबी शख्सियात मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे आसिफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा पीरजादा शबीर अहमद ने कुपवाड़ा जिले में खाद फराहम करने वालों को एक इंतबाह जारी किया, जिसमें डायमोनियम फास्फेट यानी कि DAP की जानबूझकर कमी पर तशवीश का इजहार किया। कुपवाड़ा में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑफिसर ने किसानों से मौसूल होने वाले मुतअद्दिद शिकायात पर रोशनी डाली, जिसमें खाद के डीलरों पर गैर कानूनी जखीरा अंदोजी के तरीकों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया। ऑफिसर ने आम लोगों पर जोर दिया कि वो खाद की दस्तियाबी के सिलसिले में किसी भी किस्म की परेशानी या मुश्किलात का फौरी तौर पर इत्तला दे। ऐसे हवाले से देखे हमारे नुमाइंदे आसिफ मलिक की खास रिपोर्ट। जो कि हमारे पास शिकायत मौसूल हुई है, तो मैं इनसे इल्तिमास भी करता हूँ और उनको वार्न भी करता हूँ कि ये जो हमारे पास चाहे वो रिटेलर्स हो चाहे होलसेलर्स हो, जो फर्टिलाइजर से वाबस्ता है, जो इसका कारोबार करते हैं, वो ये जो भी खाद है हमारे पास वो इसको मुहैया रखे, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो उनकी PC वगैरह जो उनके हक में इशू करते हैं, वो जो एयर सर्विसेज वगैरह या कंपनीज वाले वगैरह हैं, उनके खिलाफ भी हम कोई ना कोई चाराजोई करने के लिए फिर मजबूर होंगे। कोसरगुल की रिपोर्ट के मुताबिक जिले कुलगाम ने ODF प्लस के मुख्तलिफ जुमरू के तहत 94% देहात का इहाता किया है। ये इतला डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महीउद्दीन भट्ट के मीरहमा के दौरे के दौरान दी गई। DC ने ये दौरा मीरहमा में साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेशन शेड की तामीर में रिकॉर्ड पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए किया, जो महकमा देही तरक्यात के जेर अमल है। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर के हमरा ACD मोहम्मद इमरान, ACR मीर इम्तियाजुल अजीज, ACP डॉक्टर शर्जील अली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे पीरजादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा उमूर व सकाफत मीनाक्षी लेखी ने आज LOC टेटवाल करना कश्मीर पर शारदा यात्रा मंदिर का दौरा किया। आपको बताते चले कि वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा और सकाफत हुकूमत हिंदुस्तान की मोहतरमा मीनाक्षी लेखी ने आज LOC टेटवाल में शारदा यात्रा मंदिर का दौरा किया। रविंदर पंडिता हेड ऑफ शारदा कमेटी ने कहा कि हम आज इस मौके पर मौजूदा हुकूमत के पहले काबिनी वजीर से खुशी महसूस कर रहे हैं। इससे कबल उन्होंने कुपवाड़ा जिले के कई मकामात का भी दौरा किया। वसी कश्मीर के गांधरबल जिले के सोनामर्ग इलाके में आज पिकनिक पर गए बारामुल्ला के एक स्कूली तालबेलम की डूबकर मौत हो गई। आपको बताते चले कि जराये ने बताया कि पब्लिक स्कूल बारामुल्ला का एक तालबेलम जो स्कूल से पिकनिक पर गया था, सोनामर्ग में नहाते हुए दरियाई सिंध में डूब गया। उन्होंने बताया कि तालबेलम को निकालकर फौरी तौर पर PHC सोनामर्ग मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। जराये ने लड़के की शिनाख्त शोएब फारूक चायची जिनकी उम्र 14 साल, वलद फारूक अहमद चायची साकिन चंदूसा बारामुल्ला के तौर पर की है। मनुष्यात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने शिमाली कश्मीर के जिले बारामुल्ला के सोपोर इलाके में 2 खवातीन समेत 3 मनुष्यात फरोशों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जमा ने बताया कि मनुष्यात की बिद्दत की बीह कनी को यकीनी बनाने के लिए मनुष्यात से पाक सोपोर ऑपरेशन को जारी रखते हुए मजीद 3 मनुष्यात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन तारजू की एक टीम ने संग्रामा चौक में 2 खवातीन समेत 3 मनुष्यात फरोशों को गिरफ्तार किया। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रहनुमा और सोनावारी के इंचार्ज जहूर अहमद भट्ट ने आज जिले बांदीपुरा के इलाके गुंडजहांगीर हाजन सोनावारी में तरक्याती कामों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ मजीद खास है, इस हवाले से देखे हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की खास रिपोर्ट। हाजन से लेकर गुंडजहांगीर तक जो रोड है, तकरीबन 2 साल से उस पे काम चल रहा था। पिछले 2 साल से गुंडजहांगीर में हमने तकरीबन 1.5 महीने पहले यहाँ पे लेड भी
उसके लिए आइडेंटिफाई किया था, उनको ड्रेनेज सिस्टम बनाना था। तो इसलिए आज हमें जरूरी आप लोगों को बुलाना पड़ा है कि बहुत मुश्किल का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ता है इस रोड के हवाले से। ये सबसे बड़ी करप्शन यही है कि 2 साल से यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है तो काम ही नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ा करप्शन क्या होगा। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता लगभग 10 दिनों से जारी शदीद गर्मी की लहर के बीच मौसमियाती माहिरीन ने 24 से 28 जून तक मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग औकात वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई कर दी है और ये इम्कान जाहिर किया है कि हल्की या दरमियाना दर्जे की बारिशें होने से गर्मी का जोर टूट जाएगा। इसी दौरान जम्मू सूबे के पुंछ और रजौरी अजला में आज बाद दोपहर भारी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तियार अहमद ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर अब टूटने का इम्कान है क्योंकि 25 जून की शाम से 28 जून तक जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात पर वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। तो नाज़रीन ये था आज का खबरनामा, इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।